हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने क्यूबॉइड और क्यूब की बात कर ली थी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए ज्योमेट्री की बात करने वाले, जो कि आपका क्या है, सिलेंडर है। अब सिलेंडर का सिंपल अगर समझना चाहे सिलेंडर क्या होता है, तो आपका जैसे बॉटल जो होता है, वो बॉटल आपका क्या होता है, सिलेंडर शेप में ही होता है। तो अगर उसके बेस पर अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा रफ डायग्राम बना रखा है, जिस पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सिलेंडर की हाइट होती है और ये क्या होता है, उसका डायमीटर होता है। और आपको पता है कि डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो यहाँ से आप रेडियस भी निकाल सकते हैं अगर आपको डायमीटर दे रखा है। तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर, कि इसमें आपकी दो सर्कुलर फेस होती है। सर्कुलर फेस मतलब जो ये वाली फेस है आपकी, ये वाली और ये वाली, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फेस। तो यहाँ पे दो तो क्या होती है आपकी, सर्कुलर फेस होती है, और एक क्या होता है आपका कर्व फेस। कर्व फेस मतलब जो ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्व फेस। जो पूरा सिलेंड्रिकल शेप जो है, ये वाला जो पूरा कर्व शेप में है, उसको बोला हमने कर्व फेस। अब इसी के ऊपर जो आपके फॉर्मूलेस ड्राइव हुए, इसमें आपका एक होता है टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया मतलब क्या है कि सपोज आपके पास बॉटल और बॉटल का पूरा ही पेंट करना चाह रहे हो, तो आप पेंट का करोगे दोनों फेस पे करोगे, उसके सर्कुलर फेस पे और एक उसके कर्व फेस पे करोगे, तो उसका एरिया क्या जाएगा, 2πr² + 2πrh। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका होता है CSA और ये आपका होता है एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसेस। तो जब इसको आप पूरा ही सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा फाइनली, वो क्या आएगा आपका 2πr और आपका ब्रैकेट में r + h। h का मतलब क्या है यहाँ पर, हाइट से है, r का मतलब रेडियस से, और पाई यहाँ पर क्या है आपकी एक वैल्यू है, जो कितनी होती है 22/7 होती है। क्लियर। और फिर आपका होता है CSA। CSA मतलब क्या होना है कि जब हम उसके कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, जब उसके हम कर्व फेस की बात कर रहे हैं कि कर्व फेस का एरिया कितना होगा, तो वो क्या होता है आपका CSA, जो कि होता है आपका 2πrh। और फिर हम जब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है आपका πr²h। वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको फिल कर रहे हैं उस बॉटल को, तो उस पर कितना वाटर आएगा या कितना पानी आएगा, कितना मिल्क आएगा, वो सब पता करने के लिए हम लोग वॉल्यूम का यूज़ करते हैं आपको, ठीक है ना। अब आप एक क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर लिया हुआ है, ताकि आपको मैं फॉर्मूले का यूज़ करके बता सकूँ। और जैसा क्वेश्चन मैं यहाँ मेंशन किया हुआ है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 660 cm³। तो जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आपका जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, वो कितना है आपका 660 cm³, एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। जो उसकी हाइट हो कितनी आपकी 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम ये जानते हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, या जो सिलेंडर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है हमारे पास πr² होता है। अब हमको h तो पता है, पाई पता है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7 होती है, तो पाई पता है, h पता है, लेकिन r नहीं पता है। तो वो r हम कहाँ से निकालेंगे, इस CSA से निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आपको पता है कि आपका CSA क्या होता है, आपका CSA जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πrh होता है आपका। क्लियर है आपको, या तो पता होगा शायद। और ये आपका 660 cm² तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए बाकी सबको मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा, तो ये सब मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा, तो कहीं में आएगा डिवाइड में आएगा आपका, तो 660/2πh। क्लियर आपको। अब आपको पता है कि आपका एच कितना है, एच आपका 15 है, तो ये हो गया आपका 660/2, 22/7 होता है पाई आपका, और एच कितना है आपका 15। आई होप आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि जब मैं इसको और सॉल्व करूँगा, तो 660 ये आपका 7 रेसिप्रोकल के ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे आपका 2, 22 और आपका 15। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे सॉल्व करके। सॉल्व करते हम लोग 2 से करेंगे 2 × 1 = 1, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 और 0 ऐसा जैसा, 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33, तो ये आपका 30 हो जाएगा। क्लियर है आपको। 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, 2 × 1 = 1, 2 × 1 = 1। तो क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 7 बचा। तो रेडियस कितना हो गया हमारे पास, 7 हो गया। जब हमारे पास रेडियस आ गया, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। आए होगा आपको समझ में आ रहा होगा। तो सिंपली मैंने वॉल्यूम आपको बता दिया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आपका होता है πr²h। तो पाई
कितना होता है 22/7, आर कितना है, आर आपका 7 का अपना भी निकालना, 7 का स्क्वायर और इंटू आपका हाइट, हाइट कितना आपका 15 सेंटीमीटर। जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो 22/7 आपको समझ में आ रहा होगा इंटू 7 और इंटू में आपका 15, क्योंकि स्क्वायर है 7, उसको एक्सपेंड कर दिया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपको याद समझ में आ रहा होगा आई होप। फिर आप क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 7 × 15। तो आपको पता है 22/7 जो आपका होता है 154 × 15। अब आपको पता है 15 × 4 होता है 60 × 0 power 6, 15 × 5 = 75, 75 और 6 कितना हो गया 81, 81 का 1 पावर आपका 8 हो जाएगा, 15 × 1 + 8 कितना हो गया 23। तो आपका जो वॉल्यूम हो कितना है 2310 cm³। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन जो होगा सिलेंडर बेस पे वो आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।